हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज मैं अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप कौन सा एनिमल बनना चाहते हो। इसके अलावा मैंने और लोगों से भी यही क्वेश्चन किया कि कौन सा एनिमल बनना चाहते हो, तो लोगों ने तो यही बोला कि हम कोई एनिमल बनना नहीं चाहते, हम इंसान बनना चाहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने ये बोला वो टाइगर बनना चाहते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों भाई, क्या बात होगी, तुम टाइगर क्यों बनना चाहते हो, तो वो बोलते हैं कि हमारे ना बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, हम चाहते हैं कि टाइगर बने और उसके बाद उन लोगों को डराएं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रही हूँ, तो मैं आपको ये बताऊँगी कि जापान में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम टोको है, वो डॉग बन गया है। जब वो छोटा था तो जब वो स्कूल जाता था तो वहाँ पे जब कुछ लोग अपने पेट को घुमाने जाते थे तो वो बड़े ध्यान से देखता था उस डॉग को। और डॉग जिस तरीके से चलते थे, जिस तरीके से अपनी टेल हिलाते थे और अपनी टंग से लिक करते थे, मतलब हर चीज़ वो बहुत ध्यान से देखता था। और स्कूल से आने के बाद वो एग्जैक्टली सेम हरकतें करता था। और एक बार तो उसने अपने पेरेंट्स से ये भी बोला कि वो डॉग बनना चाहते हैं, तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि बच्चा है तो ऐसे ख्याल तो बच्चों का आ ही जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हरकतें दिन पर दिन बिल्कुल डॉग जैसी होती गई। और टोको जब भी खुश होता था तो वो अपने पेरेंट्स के साथ एग्जैक्टली सेम बिहेवियर था उसका, जैसे एक डॉग करता है अपने मालिक के साथ। जब वो खुश होता है डॉग, तो अपने मालिक को वो टेल हिलाता है और ज़मीन में लोटपोट होता है। टोको भी वैसे करने लग गया और वो साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को लिक भी करता था अपनी टंग से। तो उसके पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आया, उसने बुरी तरीके से टोको को डांटा और उसके बाद टोको को बोल भी दिया कि ये हरकत नहीं चाहिए घर के अंदर। बेचारा बच्चा चुपचाप से हो गया और सोचा कि जब बड़ा होगा तो वो जरूर डॉग बनेगा। धीरे धीरे टोको बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद जब उसकी शादी हुई, उसकी वाइफ के साथ उसका जो रिलेशन था बड़ा नॉर्मल था, ठीक ठाक सा था। धीरे धीरे उसने वाइफ के साथ भी वैसे ही करना शुरू कर दिया जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ करता था। जब वो उसको हग करता था तो उसको लिक करने लग गया। तो वाइफ ने पहले तो ध्यान नहीं दिया इस बात को, लेकिन बाद में उसको बड़ा अजीब लगा। तो उसने कहा, क्यों तुम डॉग की तरह बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? जैसे ही उसने ये सुना तो उसने एकदम से अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं डॉग बनना चाहता हूँ। तो वाइफ को अजीब लगा, उसने डांट लगाई उनको। लेकिन जब वो बार बार यही बोलने लग गए तो वाइफ को बड़ी हैरानी होने लग गई। टोको को लगा कि उसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो पाएगी और वो बहुत उदास रहने लग गया। तो एक दिन उसकी वाइफ ने उससे पूछ लिया कि तुम इतना ज़्यादा उदास क्यों रहते हो? तो उसने बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे बस एक ही डिज़ायर थी और वो थी कि मुझे डॉग बनना है, लेकिन कोई मुझे बनना नहीं दे रहा। तो उसकी वाइफ ने कहा, ठीक है, अगर तुम बनना चाहते हो तो बन जाओ, जैसे भी बनना है, जो भी करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अब उसके टोको के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो उसने क्या करा कि 12 लाख रुपए दे करके अपना एक डॉग का कॉस्ट्यूम बनाया। और कॉस्ट्यूम जब बन के तैयार हुआ तो कुछ दिन तो वो घर में ही पहन के घूमता था, क्योंकि बाहर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने धीरे धीरे बाहर जाना शुरू कर दिया और उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता था, कि टोको के दोस्तों को भी नहीं पता था कि टोको डॉग बन गया है। और फिर एक दिन उसने अपनी वाइफ को बोला कि चलो वैसे ही कॉलर पहना दो और उसके चेन के साथ तो मुझे घुमाने लेकर के चलो। उसकी वाइफ उसको लेकर के गई, लेकिन किसी ने भी उसको पहचाना नहीं। और सब लोग यही कहते, वाह वेरी नाइस डॉग, ऐसे करके बातें कर रहे थे और उसकी वाइफ भी चुप थी, उसने बताया नहीं। फिर बाद में जब लोगों को पता चला कि ये जो डॉग घूम रहा है ये डॉग नहीं है, ये आदमी है, तो उनको बड़ी हैरानी हुई। रात को अपना कॉस्ट्यूम उतार देता था और नॉर्मल जैसे डाइनिंग टेबल में खाना बैठ के खाते हैं वैसे ही खाता था। लेकिन धीरे धीरे फिर दोबारा से उसके ऊपर भूत शुरू हो गया कि नहीं, उसको डॉग बना है तो उसको बिल्कुल डॉग की तरह बिहेव करना है। तो उसने अपनी वाइफ को बोल दिया कि अब वो बेडरूम में नहीं रहेगा, इससे डॉग उस तरीके से खाएगा। और उसने अब वही शुरू कर दिया, उसने अब पेडिग्री और ऐसे ऐसे जो डॉग के फूड होते हैं वही खाने शुरू कर दिया है। और रहता भी वो उसी केज के अंदर है, वो वापस इंसान कब बनना चाहेगा वो तो वही जाने। और अब मेरी स्टोरी तो यही ख़त्म हो गई। लेकिन ये बड़ा अजीब सा आदमी था जो कि डॉग बन गया। मैं तो जानती हूँ कि कोई भी नहीं बन सकता। आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।